नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है साधना न्यूज में। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तमाम कवायदें शुरू कर रही है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मामला भिंड जिले के आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्योडा का है, जहां डिलीवरी पॉइंट से ANM आभा भदौरिया 4 घंटे गायब रही। जब संबंधित अधिकारियों से सवाल किए गए तो वो आभा भदौरिया का बचाव करते हुए नजर आए। अधिकारियों ने कहा कि छुट्टी के दिन होने की वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है, जबकि डिलीवरी पॉइंट पर कोई भी छुट्टी नहीं होती। नियम के अनुसार 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ANM आभा भदौरिया से फोन पर बात करने पर उन्होंने ददरोहा धाम जाने की बात कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की। वहीं आभा भदौरिया ने कहा कि 4 घंटे के लिए कहीं जाने पर पहाड़ नहीं टूट जाता। इस बात में दो राय नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में स्वास्थ्य कर्मी मनमानी कर रहे हैं। हेलो हेलो, कौन? धर्मेंद्र ओझा बात कर रहा हूँ। भैया आप कहाँ हैं? कहाँ हो भैया? हम तो बहुत दूर है मंदिर पे। मंदिर पे यहाँ हॉस्पिटल में ताला पड़ा है। हॉस्पिटल पे कोई आया नहीं, हम नहीं बता सकते। हम तो भैया मंदिर पे पूजा करने आए। हॉस्पिटल में ताला पड़ा है। चौहान भाई साहब की तो छुट्टी है आज। है की? आज छुट्टी है, जयंती है। कल है महावीर जयंती, आज कहाँ है? आज आज चौहान आज ना तो वहाँ आप है न चौहान साहब है। नहीं, हम तो भैया चंद्रहुआ है पूजा पे आओ। तो आपके सेंटर पे कौन है? सेंटर पे कोई नहीं है भैया, ताला डलो है। ताला डला तो अब जैसे कोई डिलीवरी पॉइंट आ जाए फिर क्या होगा भैया? बस पहुंच रहे रास्ता में है, निकल रहे रास्ता निकल रहे आए। हम तो वैसे नहीं आज मंदिर में पूजा आती ना घर की, 5 बजे से आए तो वैसे नहीं आते। नहीं, वो तो आपकी बात से हम सहमत है। आखिर आप गई हैं तो किसी को छोड़ के जाते ड्यूटी पर? हमारी वहाँ गार्ड है, गार्ड में खाना खाने का गार्ड रहेगा जिम्मेदारी से, खाना आना खाने का महेंद्र भैया। महेंद्र भैया के गेहूँ कट रहे हैं, वो चाचा चौकीदार है कोई। हाँ तो वही बिकाऊ कह रहे हुए और मेहतरानी अब हमारे छोड़ के आ रहे हैं लोगों को। अब तो पूरे में ताला ही पड़ा है, क्या कहेंगे इस पर आप? भैया अब हम पूछ के बता रहे जो आज छुट्टी तो रहती नहीं। अब छुट्टी मना ली सबने? अब हम नहीं बता सकता हमारे, हम तो आ रही है, हम तो वैसे नहीं जाते हैं। भिंड से आप खबर देख रहे हैं, जहां PSC स्योडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका रहा, जहां पर ANM नदारद रही हॉस्पिटल से डिलीवरी पॉइंट से। डिलीवरी पॉइंट पर 24 घंटे सेवा दी जाती है, लेकिन वहां पर ताला लटका रहा। और जब ANM से संपर्क करने की कोशिश की गई तो ANM पल्ला झाड़ते हुए नजर आई। वहीं जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो वह भी ANM का बचाव करते हुए नजर आए। खबर आप भिंड से देख रहे हैं, जहां PSC स्योडा के स्वास्थ्य कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। और इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए धर्मेंद्र ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी बताइए, भिंड में शासकीय अस्पताल में डिलीवरी पॉइंट जहां पर 24 घंटे सुविधा दी जाती है, वहां पर ताला लटका हुआ है? जी मैं बताना चाहूंगा, भिंड जिले के सेवड़ा में एक आभा भदौरिया है जो ANM के पद पर पदस्थ है, जो आज सुबह से दंदरुआ धाम गई हुई थी। वहाँ सुबह 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक ताला पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने जब हमें इसकी सूचना दी तो तत्काल हम वहाँ मौके पर पहुंचे। हमने आवा को फोन लगा के बताया तो उन्होंने कहा अब मैं अपनी पर्सनल भी पूजा नहीं कर सकती हूँ। ऐसे कई सवाल उन्होंने जवाब किए जिसकी हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दिए। ऐसे सवाल दिए कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों को। इस मामले में हम जब अवगत करवाया तो संबंधित अधिकारी कैमरे की निगरानी से बचते हुए नजर आए। संबंधित अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसी क्या वजह, अगर वो 2-3 घंटे के लिए चली भी गई, रात दिन मेहनत कर रही हैं, पल्ला झाड़ते हुए सभी अधिकारी नजर आए। जी, जिम्मेदार अधिकारी भी जब पल्ला झाड़ते हुए नजर आए तो क्या ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने इसकी कोई लिखित सूचना क्या उन्होंने संबंधित अधिकारी को दे रखी थी जब वो अनुपस्थित रही अपने कार्यस्थल से?
जी मैं बताना चाहूंगा, सिद्धार्थ चौहान जो बीएमओ हैं, जो फूब में पदस्थ हैं, उनसे आभा भदौरिया ने उन्हें फोन करके बताया था। हालांकि संबंधित अधिकारियों ने को आभा भदौरिया ने फोन करके अवगत करवाया था, सर मैं वहां चली गई हूं और पत्रकारों ने आके यहां वीडियो बनाया, ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग करके। तो संबंधित अधिकारी सिद्धार्थ सिंह चौहान है जो बीएमओ है, उन्होंने कहा कि हमें आभा बता के गई थी, इसलिए ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है, हमें अवगत करा के गई थी। हमने उनसे कहा श्रीमान जी यदि डिलीवरी का यदि कोई पॉइंट आ जाए या कोई इस विषय में कोई अचानक से घटना घट जाए सर, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो भी जो बीएमओ साहब है चौहान साहब, वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए इस मामले में। अगर वो इस तरह से जानकारी देकर वहां पर अनुपस्थित थी तो वहां पर कोई और एनएम उस वक्त अवेलेबल नहीं थी जब जी मैं बताना चाहूंगा, एक ही आभा भदौरिया ही है केवल एएनएम, दूसरी वहां कोई है नहीं। इस विषय में यूपीएस कुशवाहा जो जिला सीएमओ साहब है, मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने आधी हमारी बात सुनी, आधी बात सुनने के बाद में उन्होंने फोन काट दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए संबंधित अधिकारियों की मिली भगत से, जो एएनएम है छोटे कर्मचारी है, वो मिली भगत से धानलबाजी कर रहे हैं जिले में। मतलब संबंधित जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो पोस्टिंग है अभी सिर्फ एक एएनएम की है और वह भी छुट्टी पर थी या फिर अर्ध अवकाश पर थी, जो उन्होंने अपने सीनियर जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था। जी लिखित में कोई आवेदन छोड़ के नहीं गई थी, सिद्धार्थ चौहान को केवल फोन के माध्यम से बताया था। यह मैंने कहा श्रीमान जी यदि वो छुट्टी पे है तो दूसरी को चार्ज देना चाहिए था, या वहाँ दो चार घंटे के लिए किसी को बैठाना था। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं, वो तो मतलब पल्ला ही झाड़ते नजर आए। इस बात को लेके मैंने काफी लोगों से वो की है तो काफी मतलब नजरअंदाज कर दिया इस मामले को। धन्यवाद धर्मेंद्र जी पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। भिंड से आप इस वक्त की खबर देख रहे थे जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिली हुई जानकारी के अनुसार सिर्फ एक एनएम की पोस्टिंग है, वह भी अपने कार्यस्थल से नदारद नजर आई। और इसी मामले पर सीएमओ यूपीएस कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशवाहा जी स्वागत है आपका साधना न्यूज में। इस वक्त की खबर आप भिंड से देख रहे हैं जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम आभा भदौरिया अपने कार्यस्थल से नदारद नजर आई हैं, वहीं वरिष्ठ अधिकारी भी एएनएम का बचाव करते हुए नजर आए हैं। जहां एएनएम जब अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित थी या इन्फॉर्म्ड लीव या जानकारी देकर अपने उच्च अधिकारियों को गई थी, वहां पर उनका कोई सब्स्टिट्यूट या कोई और कर्मचारी उनके स्थान पर नहीं था ड्यूटी पर। और इसी मामले पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए सीएमओ कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कुशवाहा जी साधना न्यूज में। आप देख रहे हैं भिंड से खबर जहां स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का मामला सामने आया है, एएनएम नदारद हैं अपनी ड्यूटी से। और इस मुद्दे पर हमने जब सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए और जवाब देने से बचते हुए नजर आए। इस वक्त की खबर आप भिंड से देख रहे हैं, डिलीवरी पॉइंट से एएनएम आशा भदौरिया नदारद नजर आई है। और इसी जानकारी इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए फिर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र जी, अभी हमने सीएमओ से बात करने की कोशिश की लेकिन वो कहीं ना कहीं बात करने से बचते हुए नजर आए हैं। जी मैं बताना चाहूंगा, आज मैंने यूपीएस कुशवाहा जी को मैंने तीन बार कॉल किया तो तीन बार में चौथी कॉल मेरी रिसीव की गई, आधी हमारी बात सुनी गई, उसके बाद में फोन काट दिया। कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों की वजह से ही ये एएनएम की लापरवाही हो रही है। और मैंने ये मामला उन्हें अवगत करवाया, मैंने कहा सर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई की जैसे ही मैंने बात की तो उन्हें तत्काल फोन काट दिया।
जी, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है ये कमी कहीं ना कहीं स्टाफ की भी है इस मुद्दे में। अगर एक सिंगल कर्मचारी, अगर एक ही व्यक्ति किसी शासकीय अस्पताल में, एक ही व्यक्ति को सिर्फ जिम्मेदारी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इस तरह की परेशानियां सामने आएंगी। क्योंकि जब भी वो अवकाश अगर लेती है तो इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी ही। जी मैं बताना चाहूंगा, अगर रजिस्टर की बात की जाए तो वहाँ तो 2 से 3 लोग पदस्थ होंगे, मगर जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं रहता है। हर आदमी, हर डॉक्टर ये कहना रहता है कि सेवड़ा में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, या और अन्य बातों को लेके पल्ला झाड़ देते। हालांकि ANM जो है वो रह रही है, लगभग इनके दिसंबर में सेवड़ा पहुंची, पहले ही अकोड़ा में पदस्थ थी। स्थानीय लोगों ने इसको लेके आवेदन भी किया संबंधित अधिकारियों को और भी स्टाफ रखा जाए। तो जो सिद्धार्थ चौहान है, हालांकि उनके द्वारा व्यवस्थाएं तो बनाई गई है, मगर डॉक्टरों की व्यवस्थाएं नहीं है, जो कि बिल्डिंग पूरी तरह से पुतवा के उसको सजा के खड़ी कर दी है। डॉक्टरों की बात करो या ANM की बात करो, तो वो पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ फैल नजर आती है। जी, कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी भी इसका एक कारण है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी पूरे मामले पर अधिक जानकारी देने के लिए।